यस 100 शब्द प्रति मिनट गति। देश की ज़्यादातर आबादी को यह खबर बुरी ही लगेगी, मगर टेलीकॉम सेवाओं की दरों को आखिरकार बढ़ना ही था। निजी क्षेत्र की तकरीबन सभी टेलीकॉम कंपनियों ने यह घोषणा कर दी है कि वे अगले महीने से अपनी सेवाएं महंगी कर देंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ऐसे फैसले करने में देर करती रही है, इसलिए वह इस राह को कब अपनाएगी यह कहा नहीं जा सकता। जब बाज़ार में दरें कम करने की स्पर्धा थी, तब भी वह बहुत देर बाद इसमें कूदी थी। अब भी अगर उसने यही देरी दिखाई तो उसका घाटा बढ़ेगा और बंदी की अटकलें तेजी होगी। हालांकि घाटा तो निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी हो रहा है। वोडाफोन आइडिया तो इसके चलते दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है। शुरू में उन्हें उम्मीद थी कि इस मुश्किल समय में सरकारी मदद उनके दरवाजे पर पहुंचेगी, लेकिन सरकारी मदद की भी एक सीमा होती है। वह आती भी तो शायद इतनी न होती कि भारी भरकम घाटे से निजात मिल पाती। यही सवाल दूसरी तरफ भी है कि दरें बढ़ाकर क्या कंपनियां अपने घाटे से उबर पाएंगी? चालू घाटा खत्म या कम हो गया तब भी संचित घाटा तो फिलहाल खातों पर सवार रहेगा ही। आम उपभोक्ताओं की जेब जरूर हल्की होगी, लेकिन सच सिर्फ यही है कि दरों को बढ़ना ही था। एक समय था जब भारत में टेलीकॉम दरें सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। फिर वह समय आया कि ये दरें दुनिया में सबसे सस्ती हो गई, वे लागत से भी नीचे चली गई। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चलने वाली थी, सो इसे खत्म होना ही था। एक दशक पहले तक इस बाज़ार से जिस तरह की उम्मीदें बांधी जाती थी, अब उसकी गुंजाइश नहीं रह गई। एक अनुमान के अनुसार देश में 1.2 अरब से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कनेक्शन हैं, यानी औसतन देश के हर वयस्क के पास कम से कम एक फ़ोन तो है ही। जाहिर है कि यह बाज़ार अब संपृक्त हो गया है। नए ग्राहक चुनने का सिलसिला अब बहुत धीमा होने वाला है। ऐसे में कंपनियों के सामने चारा यही था कि वे दरें कम करके दूसरी कंपनियों के ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को तोड़ने की कोशिश करें। पिछले 2-3 साल में यही हुआ और अब उसकी सीमा और नतीजे भी हमारे सामने हैं। वैसे इस घाटे का एक कारण काफ़ी महंगी दरों पर स्पेक्ट्रम खरीदना भी है, और इसके लिए अक्सर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। जाहिर है यह सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों के लिए अपनी दरें बढ़ाने का ही नहीं, सरकार के लिए अपनी संचार नीति का पुनर्विचार का समय भी होना चाहिए। खासकर इसलिए भी कि जल्द ही 5G के स्पेक्ट्रम की बिक्री शुरू होनी है। ये दरें उस समय बढ़ाई जा रही हैं जब बाज़ार में मंदी है और किसी न किसी तरह से अर्थव्यवस्था का यह दबाव भी आम लोगों के सिर पर ही पड़ रहा है। अब इसमें महंगी टेलीकॉम दरों का बोझ भी जुड़ जाएगा। बढ़ती स्पर्धा के बावजूद इस दौर में टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता काफ़ी कम हुई है। कई जगहों पर नेटवर्क कमज़ोर हुआ है और
कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। क्या दरें बढ़ाने वाली दूरसंचार कंपनियां सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का काम भी साथ में करेंगी? उपभोक्ताओं की जेब से अगर ज़्यादा पैसे निकल रहे हैं तो उन्हें इसके साथ कुछ अच्छा भी मिलना चाहिए।